जो है ना यहाँ से जो कुतुब मीनार का फोटो आता है, मतलब जितने भी लोग आते हैं तो यहाँ पर ये जो गेट है इधर खड़े होके फोटो लेते हैं, तो यहाँ से पूरा जो है ना कुतुब मीनार दिखाई देता है। What's up guys and welcome to my new vlog. Finally, आज का जो हमारा vlog होने वाला है, इस vlog में हम आप जाने वाले हैं मेहरौली बाजार, दिल्ली की सबसे पुरानी बाजार में, और वहाँ पे हम आप सबको दिखाएंगे दुनिया की सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार को दिखाने वाले हैं। और मैं अभी खड़ा हूँ अपने रूम के टेरिस पर, और हमारे टेरिस से कुछ ऐसा व्यूज दिखता है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू लगा। और आज तो थोड़ी धूप निकली हुई है, कल मौसम बहुत अच्छा था। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ नीचे रूम में, और उसके बाद वहाँ पर स्लीपर वगैरह पहनेंगे, उसके बाद मैं आप सबको चल के दिखाएंगे कुतुब मीनार। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं पहुँच चुका हूँ अभी सदगुरु स्टेशन के, मेट्रो स्टेशन के नीचे, और अभी देखो उधर से हम लेते हैं एंट्री सदगुरु स्टेशन के अंदर, वहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो, उसके बाद हम आज जाने वाले हैं दिल्ली के कुतुब मीनार दिखाने के लिए। तो भाई जैसे कि उधर देख लो रियाज जा रहे हैं और इधर जिसान है, तो जल्दी से फटाफट चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मेट्रो, उसके बाद चलते हैं मेहरौली बाजार। तो गाइस हमारी मेट्रो आने वाली है जिससे हम जाने वाले हैं कुतुब मीनार। तो देख सकते हैं पहले वो आ रहे हैं, और अभी इस पे लेते हैं एंट्री, उसके बाद हम चलता हूँ। जैसे कि कुतुब मीनार स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से एग्जिट ले लिया, और यहाँ से शायद लोकल मिलता है, मतलब लोकल रिक्शा मिलता है, और लोकल रिक्शा लेने के लिए देखते हैं कितना पेमेंट करना होगा। और कुतुब मीनार यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से चलते हैं। यहाँ से जैसे कि दादा ने शेयरिंग रिक्शा मिल चुके हैं, और 50 रुपीज में मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से कुतुब मीनार सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और 50 रुपीज हमें लग रहा है कुतुब मीनार। कि मैं ऑटो से उतर चुका हूँ और अभी पेमेंट कर रहे हैं रियाज भाई, मेरा पेमेंट जो था 50 रुपीज हुआ था। और अभी चलते हैं वहाँ से टिकट लेते हैं और देखते हैं टिकट का प्राइस क्या होने वाला है। और यहाँ से एंट्री गेट रहा, तो सबसे पहले चलते हैं हम टिकट ही ले लेते हैं। यहाँ पर क्राउड तो बहुत है टिकट लेने के लिए, तो कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन ही टिकट लें, क्योंकि उधर लाइन लगाना पड़ेगा टिकट के लिए, तो उधर स्कैनर लगा हुआ है। उधर चलता हूँ और थोड़ा फास्ट टिकट लेता हूँ, और क्योंकि इधर देखते थे बहुत ही ज्यादा क्राउड है और लाइन भी लगी है, ओनली कैश भी है और यहाँ पर पेमेंट होगा। वैसे भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट ही लिए है, इधर कैश नहीं लिए, तो चलते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसके बाद टिकट लेते हैं, फिर लेते हैं मैं। हमें टिकट तो मिल गया, और ये देख सकते हैं ऐसा टोकन जैसा कुछ रहा टिकट है। और अगर आप एटीएम कार्ड से स्विंग करके लेते हैं तो आपको 25 रुपीज लगेगा, और ऐसा मतलब कैश ओनली कैश करते हैं तो आपको 40 रुपीज लगेगा, जो कि हम लोगों ने 43 टिकट लिया और पेमेंट भी किया। तो अभी देखो इधर एंट्री गेट रही, उधर चलते हैं और आप सबको एंट्री करके दिखाता हूं। अरे हम एंट्री करवाएंगे, उसके बाद वहां पर चेकिंग वगैरह होगा, शायद उधर वीडियो अलाउड नहीं होगा, तो चलते हैं देखते हैं, और उसके बाद फिर एंट्री लेते हैं अंदर, देखते हैं हम उधर चेक क्या क्या करते हैं। मतलब हमारे पास बैग है, शायद इसको भी ना रखवा लें, क्योंकि उधर बोल रहे थे कि अपना बैग रख के जाएं, लगेज नहीं लेके जा सकते। देखते हैं शायद अंदर जाने थे। एंट्री चेक करा के ले लिया, और जो हमारा टोकन हमारे साथ में ये बोले कि ये टोकन बचा के रखना, अगर गायब हो जाएगा तो फिर एग्जिट करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ ये मैंने एंट्री लिया, ऐसा क्यों हो रहा, और ये देख सकते हैं हमारे सामने रहा कुतुब मीनार, और ये देख सकते हैं ऐसा रहा। और चलता हूँ मैं आप सबको बताता हूँ, इस तरफ जो है ना इलाही मीनार रहा, और इधर जो है इल्तुतमिश का मकबरा भी है, और वहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो मैं चलता हूँ सबसे पहले, और इधर कुतुब उल इस्लामिक मस्जिद और कुतुब मीनार रहा, तो सबसे पहले चलते हैं ये देखो कुतुब मीनार के रास्ते पे, इधर चलता हूँ। अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कुतुब इस्लाम मस्जिद, ये देखो हमारे सामने रहे, और देख सकते हैं बहुत ही गजब का लुक आता है यहाँ से। और जीसान और रियाज उधर आगे जा चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ऐसा ग्राउंड है, और यहाँ से जो नाइट का व्यू होता है ना बहुत अच्छा होता है, इधर फ्लाइट जाती है और जो व्यू आता है बहुत प्यारा व्यू आता है। अभी मैं खड़ा हूँ दुनिया की सबसे ऊंची मीनार, ये है मेहरौली में, जो कि पुरानी बाजार कहना कुछ गलत नहीं होगा, तो ये स्थित है, और अभी आपको पास में लेके चलते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं। हमारे बैक साइड में इलाही दरवाजा, और इसके अंदर चलता हूँ, और इसमें एक बहुत बड़ी खास बात है कि इसमें जाने के बाद आपका जो वॉइस है ना, मतलब आवाज है ना, चारों घर टक्कर में आता है, उसके बाद घुसती है यहाँ पर।
आपको इलाही दरवाजा दिखाया और ये देखो अभी मैं पहुंच चुका हूँ कुतुब मीनार के पास। और यहाँ पर जो है ना बहुत ही अच्छा बनाया गया है, मतलब ये जो है ना पूरे लाल पत्थर से बनाया गया है। और पहले ना इसमें जाने भी देते थे, अंदर एंट्री थी, बट इसमें फिर 1984 में एंट्री बंद हो गई क्योंकि यहाँ पर पहले ऐसा हुआ था कि जब इधर एंट्री थी ना तो एक ऐसा अचानक हुआ कि इसमें से लाइट चली गई, उसके बाद यहाँ पे एंट्री बंद हो गई और इसमें काफी लोग की डेथ हो चुकी थी बच्चों की, क्योंकि अंदर जो था इसमें भगदड़ मच चुका था। इसके लिए अब यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है अंदर जाने के लिए, तो अभी इसमें अंदर एंट्री नहीं है और ऐसे ही बाहर से आपको देख सकते हैं। और ये जो है ना बहुत ही प्यारा, पहले यहीं से एंट्री हुआ करती थी। ये रहा गेट, इसके अंदर ऐसा राउंड राउंड में सीढ़ी है जैसे कि जामा मस्जिद के मीनारों पे है, और यहाँ से फिर सीधा ऊपर जाया जाता था। तो अभी इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है और इसको बंद हुए कम से कम 36 ईयर्स हो गए और अभी इसमें बिल्कुल भी जाने नहीं देते। और इसकी रिपेयरिंग वगैरह जैसे पहले बनाई गई थी अभी एकदम वैसे ही है। थोड़ा थोड़ा भूकंप के आने की वजह से थोड़ा थोड़ा डैमेज हो रहा है और यहाँ के लोकल के लोग जो है ना इसकी बहुत ही ज्यादा देखभाल रखते हैं। यहाँ से जो कुतुब मीनार का फोटो आता है, मतलब जितने भी लोग आते हैं तो यहाँ पर ये जो गेट है इधर खड़े होकर फोटो लेते हैं, तो यहाँ से पूरा जो है ना कुतुब मीनार दिखाई देता है। तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ से पूरा कुतुब मीनार का व्यू आता है और लोग यहाँ से फोटो खींचते हैं। जैसे कि मैं भी, अगर आप भी हमारे इंस्टा को अगर फॉलो नहीं किए तो अभी जाके हमारी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हम भी अपने इंस्टा पर फोटो पोस्ट किए हैं, उधर जाके देख लेना। और अभी तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो तो कर ही देना। पूरा फॉरेंस लोग आए और यहाँ पर घूमने के लिए पूरे ग्रुप आई हुई है और यहाँ पर देखो गाइड वगैरह लिए हुए हैं और गाइड इधर इनको बता रहे हैं। हमारे बैक में ये सब पिलर देख रहे हैं ना, पहले ये इसके लिए हुआ करता था, जो स्टॉप आते थे मतलब इधर आके बैठते थे, या फिर ऐसा हुआ करता था कि जो बच्चों का स्कूल वगैरह हुआ करता था ना इसमें बच्चे लोग पढ़ते थे। तो ये जहाँ पे अगर कुतुब मीनार के चारों तरफ ये बना हुआ है ऐसा पिलर, आपको ये जो है और भी रौनक देता है कुतुब मीनार। जैसे कि पहले कुतुब मीनार बनाया गया था वैसे ही कॉपी किया जाता था, तो उधर देख सकते हो उधर भी बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर पूरा तो नहीं हो पाया और आपको थोड़ा थोड़ा कैमरे में दिख रहा होगा। यहाँ पर चाहे मकबरे हो या फिर मस्जिद हो या फिर कुतुब मीनार ही क्यों ना हो, यहाँ पर सारे ये सब जो है ना सब कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। वहाँ से जैसे गेट के अंदर घुसोगे ये सब कुतुब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये सब अंदर ही कुतुब कॉम्प्लेक्स है। ये है मकबरा, यहाँ पर काफी सारी कबर भी है और ये पर किसकी है, और इधर कोई बोर्ड वगैरह तो नहीं लगा है इसके लिए मैं नहीं बता सकता हूँ। और ये बहुत ही पुरानी कबर है और वहाँ पर कुछ 1300 ईस्वी ऐसा कुछ था और इतनी पुरानी ये सब कबर है। और वहाँ पर मैंने जैसे बताया आप सबको नकल किया जाता था कुतुब मीनार के जैसे ही एक और मीनार बनाने के लिए, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इल्तुतमिश की मकबरा, जो कि हमारे बैक साइड में ये देख सकते हो, और इधर बोर्ड लगा हुआ है कब बनवाया गया था ये सब इधर लिखा गया है। और जितने भी मुगल के जितने भी राजा वगैरह रहते थे तो वो पहले ही अपना मकबरा बना के जाते थे। और यहाँ पर देखो हमारे सामने ये रहा मकबरा। दिख रहे हैं ना छोटी छोटी दीवार, ये सब जो दिख रहे हैं ना ये खलजी दीवार है, मतलब ये किस लिए बनवाया गया था। तो यहाँ पर पोस्टर जो लगा है वो सिर्फ खलजी दीवार ही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं बताया गया, तो इसके लिए ऐसा है। और मेरे वीडियो में जो भी आपको दिख रहा है, और इलाही मीनार वो था वो देख सकते हो, उधर था इलाही मीनार वो भी मैंने आप सबको दिखाया, और उधर है कुतुब मीनार। अभी चलता हूँ उधर कुतुब मीनार के पास और बताता हूँ कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था और कुतुब मीनार कब बना था। तो गाइस लेके चलते हैं उधर। हम आ चुके हैं फिर से कुतुब मीनार के पास और ये देख सकते हैं ये जो मीनार है ना ये लाल पत्थर और ऊपर देख सकते हैं संगमरमर से बनाया गया है। और इसको जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था, ये सामने रहा, और इसको इल्मिस ने पूरा कंप्लीट किया था, मतलब ये जो एक दिख रहा है इसको कुतुबुद्दीन ने बनाया था, उसके बाद इल्मिस ने पूरा कंप्लीट किया था। और उसके बाद ये सब देख सकते हैं अभी जो ये बना है ना पूरा संगमरमर से और पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, और इसकी रिपेयरिंग वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल अभी भी फ्री में, मतलब थोड़ा सा भी धब्बा नहीं है और इसमें स्क्रैच वगैरह बिल्कुल नहीं है। और इसका जो लुक देता है ना ये देखो, ये छोटा छोटा पिलर है ये और भी लुक देता है। ये था कुतुब मीनार का व्लॉग जो कि मैंने आप सबको अपने YouTube चैनल पे दिखाया। तो गाइस अगर हमारे YouTube वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो करना लाइक, और हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए करना सब्सक्राइब। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।